प्राइम में अब खबर भारत की बढ़ती ताकत। भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया। इसकी रेंज 7000 किलोमीटर तक है। ये एमआरवी यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी इसे एक साथ कई टारगेट पर लॉन्च किया जा सकता है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था, जबकि सोमवार का परीक्षण एमआईआरवी के साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट हैं उनको बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। ये बाकायदा प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्शन से चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारत ने दिव्यास्त्र लॉन्च कर दिया है। इस दिव्यास्त्र की रेंज पूरे चीन को कवर करती है। ये वो दिव्यास्त्र है जो सिर्फ 12 मिनट में बीजिंग का नक्शा बदल सकता है। यही नहीं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की दूरी सिर्फ 1.5 मिनट में तय कर सकता है। तो ये इसकी रेंज है। क्या पहला धमाका बीजिंग में होगा? क्या दूसरा धमाका शंघाई में होगा? क्या तीसरा धमाका वुहान में होगा? क्या चौथा धमाका कराची में होगा? और क्या पांचवा धमाका इस्लामाबाद में होगा? यानी अब मिसाइल तो एक होगी, लेकिन निशाने पर 5 शहर हो सकते हैं। ये है नए भारत की मिसाइल पावर, और इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में जिस एमआईआरवी यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक का जिक्र किया है, आखिर वो तकनीक है क्या? एमआईआरवी भारत के दुश्मनों के लिए एक चेतावनी की तरह है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से भारत की जद में सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आधी दुनिया आ गई है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज और इसकी रफ्तार ही इसकी खासियत है। ये चीन और पाकिस्तान को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। दिल्ली से बीजिंग की दूरी 3791 किलोमीटर है, और जानकारी के मुताबिक ये दूरी तय करने में इस मिसाइल को 12.63 मिनट लगेंगे। नई दिल्ली से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक की करीब 688 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 1.5 मिनट में तय कर लेगी। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है MIRV तकनीक, यानी कि एक साथ कई निशानों को मार गिराने की क्षमता। और ये किसी एक देश के अलग अलग ठिकाने को नहीं बल्कि अलग अलग देश के अलग अलग ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। अग्नि 5 का इस्तेमाल भी बेहद आसान है। इसे रेल और सड़क मार्ग से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इसकी तैनाती की बात करें तो तैनाती भी बहुत आसान है। देश के किसी भी कोने में इसको आसानी से तैनात किया जा सकता है, और युद्ध की स्थिति में किसी भी प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है। यही नहीं, अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजह से इस मिसाइल को कहीं भी बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। आइए अब आपको बताते हैं अग्नि 5 की खासियत, जिसके सफल टेस्ट का ऐलान खुद पीएम मोदी ने किया। जानकारी के मुताबिक अग्नि 5 मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है। अग्नि 5 17.5 मीटर लंबी है। अग्नि 5 1500 किलोग्राम के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं, जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। अग्नि 5 की स्पीड आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा है। 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। अग्नि 5 मिसाइल की स्पीड 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे है। मिसाइल में रिंग लेजर गायरोस्कोप इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। GPS और नैप LC सैटेलाइट गाइडेड सिस्टम लगा हुआ है। टारगेट के 80 मीटर दूर तक किसी का बचना मुश्किल है। अग्नि 5 के अब तक आधा दर्जन से अधिक सफल परीक्षण हो चुके हैं। इन टेस्ट के दौरान मिसाइल को अलग अलग तरह से परखा गया, जिसके बाद पता चला कि ये मिसाइल दुश्मन को बर्बाद करने के लिए बेहतरीन हथियार है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल की प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक महिला है, और इस मिसाइल को तैयार करने में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। मिशन दिव्यास्त्र के परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास MIRV क्षमता है। और
आइए अब आपको भारत की पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी दूसरे महाद्वीप तक निशाना लगाने में सक्षम अग्नि 5 की खासियतों के बारे में बताते हैं। तो भारत की पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये, और बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियार कई आर्म्स ले जाने में सक्षम है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से ये लैस है, एक साथ कई टारगेट के लिए लॉन्च की जा सकती है। उसके अलावा 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार ले जाने में ये पूरी तरह से सक्षम है। और लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 7000 किलोमीटर से ज्यादा है। पूरे चीन, पाकिस्तान, यूरोप, आधे से ज्यादा अफ्रीका तक इसकी मारक क्षमता है। तो अपने आप में कितनी आधुनिक है और कितनी तकनीक से ये लैस है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं।